नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के एक पैक केस के बारे में, जो कि दोस्तों मैंने ऑर्डर किया है। अब ऑर्डर कहाँ से किया है दोस्तों, इसमें एक ट्विस्ट है, इस कवर को लेके काफ़ी बड़ा ट्विस्ट है, जो कि दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस कवर को लेकर दोस्तों मैं भी काफ़ी कन्फ्यूज रहा, बट कवर काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपको कवर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको उस ट्विस्ट के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे पास S23 अल्ट्रा जिसके ऊपर कवर लगा हुआ है, ये कवर पूरा ख़राब हो चुका है। और दोस्तों जो कवर है ये दोस्तों रिंके कंपनी का, ये देखिए ये रिंके का कवर है, जो कि दोस्तों मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगाया था। तो इसका कुछ यहाँ से कटआउट हो गया, हल्का सा कट गया, तो मैंने पूरा काट दिया, क्योंकि मैं सिर्फ ट्राई करना चाह रहा था कैसा सेव आएगा। तो लेकिन वो ख़राब हो चुका है, बट काम पूरा कर रहा है। तो मैंने नया ऑर्डर किया, जिसके बारे में मैं आज वीडियो में बात करने वाला हूँ और उसको दिखाऊंगा अभी। तो ये कवर रिंके की तरफ से, जिसका नाम था दोस्तों एयर एस केस, जो दोस्तों अभी फ्लिपकार्ट पे अमेजन पे अवेलेबल नहीं है ये, और है भी तो इस ब्लैक कलर में नहीं है। अभी दोस्तों मैंने जो कवर मंगाया है वो है दोस्तों स्पाइन का लिक्विड एयर केस, जो दोस्तों टेक्स्ट टाइप में आता है पीछे से। मैं आपको इस कवर को दिखाऊँगा और इसका जो ट्विस्ट है इस कवर को लेके, वो भी आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी स्किप ना करना। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और ना ही दोस्तों वीडियो को लाइक करते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है केस, ये काफ़ी मुलायम है, मतलब TPU टाइप से है। इसमें अंदर टेक्स्ट दिए गए हैं जिससे ग्रिप अच्छी बनी रहे फ़ोन के ऊपर, और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों मेड इन साउथ कोरिया, क्योंकि दोस्तों ये साउथ कोरिया में बनाया गया है, इंडिया में दोस्तों ये नहीं बनता। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी फिटिंग। तो दोस्तों देखिए इसकी फिटिंग की, अगर देखते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, टेक्चर होता है इस टाइप से, स्लिपरी नहीं है बिल्कुल भी। तो इस साइड में भी दोस्तों ऐसा ही है, और इसके बटन की बात करूं तो टक टक की आवाज़ आती है। ये देखिए मैं आपको सुना कर दिखाता हूँ, ये देखिए आपको सोलह शायद महसूस हो रहा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये वर्क करता है। और रही दोस्तों फिटिंग की बात, कटआउट की बात, तो दोस्तों कटआउट इसको काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, क्योंकि इसकी प्राइस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, वो भी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा मैं। देखिए कटआउट काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, कैमरे के ऊपर जो दोस्तों सर्कल बनाया गया है ये भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, जिससे आपके कैमरे के ऊपर बिल्कुल भी दिक्कत ना हो रखते टाइम। तो जी कुछ इस तरीके से कवर है, ब्लैक कलर का दोस्तों मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा फ़ोन भी ब्लैक कलर का ही है। अब दोस्तों बात करते हैं इस ट्विस्ट के बारे में, तो मैं दोस्तों आपको बताऊँगा भाई और लाइव दिखाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया जो मेरे पास अभी आया है, ये किया था मैंने अमेजोन से। मैं आपको ऑर्डर डिटेल में दिखाता हूँ, ये देखिए जरा दोस्तों मेरा ऑर्डर, जिसके दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इसको ऑर्डर किया था 4 अगस्त को 1201 रुपये का, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी सेल स्टार्ट नहीं थी, ना फ्लिपकार्ट पे ना ही अमेजन पर। तो मैंने इसको 1201 रुपये में ऑर्डर कर दिया था। फिर मैंने कल दोस्तों, कल 7 अगस्त को जब इसकी सेल देगी तो इसकी प्राइस हो चुकी थी दोस्तों, दिखाऊंगा आपको। आपको एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी प्राइस हो चुकी थी दोस्तों 909 रुपये। जी मैंने कल 909 रुपये में दोबारा से ऑर्डर कर दिया, वहाँ से रिटर्न करने के बाद उसको मैंने रिटर्न में डाल दिया। वो मेरा जो अभी जो मेरे पास जो कवर चल रहा है ये आज मेरा रिटर्न हो जाएगा, और मैंने कल इसको रात को 909 रुपये में दोबारा से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि ये पहले मैंने किया था 1201 में, अब दोस्तों मैंने कर दिया 909 रुपये में 7 अगस्त को। आज दोस्तों 8 अगस्त है,
लेकिन जब मैंने आज सुबह इसको, मैंने कल रात को ऑर्डर कर दी 909 रुपये में, लेकिन जब मैंने आज सुबह इसको यहाँ पर दोस्तों फ्लिपकार्ट पर चेक किया, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों इसका प्राइस यहाँ पे ही बढ़ा दिया गया है। दोस्तों मैंने जब आज सुबह इसको यहाँ पे चेक किया तो मैं आपको अपने ऑर्डर डिटेल में दिखाता हूँ, क्योंकि इसका प्राइस जस्ट अभी भी बढ़ा है। जब मैंने ये इस जगह पे चेक किया था तो यहाँ दोस्तों दिखाया जा रहा था, ये देखिए 818 रुपये का। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से अमेजन पे जाके सबसे पहले दोस्तों जो मैंने ऑर्डर किया था कल रात वाला, वो मैंने उसको भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपको भी पता है कि जो कैंसिल हमारे आइटम होते हैं वो यहाँ पर शो नहीं करते, आपको फिल्टर में जाके कैंसिल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, तो हमारे जो भी ऑप्शन है कैंसिल में वो दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों जो मैंने रात को ऑर्डर किया था वो मैंने आज सुबह इसको कैंसिल कर दिया, यानी दो बार मैंने दोस्तों अमेजन से इसको कैंसिल कर दिया, और मैंने तीसरी बार फ्लिपकार्ट जाके इसको 818 रुपये में ऑर्डर कर दिया। दोस्तों 818 रुपये इसकी प्राइस थी, प्लस दोस्तों फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से मुझे इस पर 41 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये 750 से ऊपर का थोड़ा सा पड़ेगा, 800 से कम का। तो मैंने इस कवर को 1200 रुपये में पहले लिया था, और उसके बाद इसको कैंसिल दो बार करके अमेजन से 750 प्लस में इसको फ्लिपकार्ट से बाई किया है। तो ये कवर मेरे पास 12 अगस्त तक आ जाएगा। तो ये था दोस्तों एक ट्विस्ट इस कवर को लेके, क्योंकि मैंने इसको सबसे पहले 1200 रुपये में बाई किया था, उस टाइम पे दोस्तों 1200 रुपये में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा कवर था ये, क्योंकि इसकी प्राइस दोस्तों 1400-1500 रुपये जाती है, तो 1200 रुपये में मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा। लेकिन जब सेल स्टार्ट हुई तो इसकी प्राइस दोस्तों जो है काफ़ी कम हो गई, तो मैंने इसको कैंसिल करके फिर से बाई कर लिया। अब दोस्तों अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कोई आप आइटम बाई करो फ्लिपकार्ट या अमेजन से, और आपको लगता है कि आप उसे रिटर्न भी करना चाहते हो, रिटर्न पॉलिसी अगर आपको मिल रही है, तो आपको क्या करना है, इसके साथ आपके प्रोडक्ट के साथ जो भी सामान आपके साथ आता है, जो भी साथ में आता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पेपर वर्क हो, कुछ भी हो, आपको एक भी आइटम मिस नहीं करना, नहीं तो आपका आइटम दोस्तों जो है रिटर्न नहीं होगा, डिलीवरी बॉय जो आता है वो रिटर्न लेकर नहीं आएगा। तो मैंने इसका कोई भी आइटम दोस्तों मिस नहीं किया, ऐसे ही ऐसा जो आया था, अब पूरा का पूरा दोस्तों ऐसे ही रखा हुआ है, आज ये रिटर्न हो जाएगा, और 2 से 3 दिन में मेरे पास रिफंड जो बैलेंस है वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, और ये कवर दोस्तों आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।